रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलम इस्लाम को ईदुल फितर की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि इस ईद को बहाना बनाकर नफ़रतों का खात्मा कीजिए, मोहब्बतों को आम कीजिए, ईद की खुशियों को एक दूसरे में बांटिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस चिलचिलाती हुई धूप में हमें रोज़े रखने की, इबादतें करने की तौफीक अता फरमाई, हिम्मत व सब्र अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे किए गए तमाम तर इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला मज़लूम अहले फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए, उनकी गैब से मदद फरमाए। अल्लाह ताला क़िबला अव्वल को आज़ाद फरमाए। अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस को फिर से हमें लौटाए और फ़लस्तीन में जिन मासूम बच्चों को, बुज़ुर्गों को पर ज़ुल्म किया जा रहा है, उन ज़ालिमों को नीस्त व नाबूद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को अमन, शांति व सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला हिंदुस्तान से फ़िरका परस्ती का और इस तानाशाही हुकूमत का खात्मा फरमा कर हमारे मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाए। मैं फिर से एक मरतबा आलम इस्लाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए दरख्वास्त करता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।